ओके हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एजाज, उत्तम, मनीष, विकी, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? ओके, कल की क्लास हमने स्टार्ट करी थी डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक को, और डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक मैं आप सबको पढ़ा रही थी, है ना? ओके, और लास्ट मैंने सिचुएशन पढ़ाई थी आपको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की. यहाँ तक हमने कल की क्लास को डिस्कस किया था. एक बार मैं लिख दे रही हूँ. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे लिए क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. गुड मॉर्निंग हर्ष, प्रशांत, अंजलि, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग शिवम. चलिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने, जैसा कि आपको बताया था, पांच सिचुएशंस हम पढ़ेंगे. ठीक है, और फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको कल ही समझा दी थी, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. हिंदी में इसे हम कहते हैं पूरी तरीके से लोचदार मांग. क्या बताया था मैंने? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे पूरी तरीके से लोचदार मांग. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमसे कहता है जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस पर इतना माइनर सा चेंज आ रहा है कि इतने माइनर से चेंज को हम आम जिंदगी में अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर मानते हैं. यानी प्राइस में बिल्कुल माइनर सा चेंज, बहुत हल्का सा चेंज उसकी डिमांड को इनफाइनाइट तौर से बदल रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस को जीरो के बराबर पुट करें तो एनीथिंग अपॉन जीरो किसके बराबर होगा? इनफाइनाइट के बराबर होगा. यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी किसके बराबर है? इनफाइनाइट के बराबर है. और ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, यानी काल्पनिक स्थिति होती है. नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अभी तक हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक, अब हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज जस्ट अपोजिट टू परफेक्टली इलास्टिक. अभी तक जो भी हमने परफेक्टली इलास्टिक में पढ़ा है, जस्ट अपोजिट हम पढ़ते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में. अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हमसे क्या कह रहा है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हमसे कह रहा है, आपके पास मर्जी आपकी है, आप किसी भी वस्तु की कीमत में मर्जी आपकी चाहे जितना बड़ा बदलाव कर दो, चाहे जितना प्राइस को बढ़ा दो या चाहे जितना प्राइस को घटा दो. यानी चाहे जितना प्राइस को इंक्रीज करो या चाहे जितना प्राइस को डिक्रीज करो, प्राइस में इतना मेजर चेंज होने के कारण अगर तब भी तुम देखो कि उसकी डिमांड पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब वो हमारे लिए क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है. क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है प्राइस में मर्जी आपकी है, आप चाहे जितना बड़ा बदलाव कर दो, कीमत को चाहे जितना बढ़ा दो या कीमत को चाहे जितना घटा दो, कीमत को इतना चेंज करने के बावजूद भी अगर वस्तु की डिमांड पर किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब ये हमारे लिए क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है. अब यहां पर देखिए ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन डिमांड को अगर मैं जीरो पुट कर दूं और नीचे कुछ भी रखूं, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को अगर हमने जीरो पुट किया और नीचे कुछ भी रखा, तो जीरो अपॉन एनीथिंग किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा. यानी यहां पर ईडी हमेशा किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर होगी. यहां पर ईडी किसके बराबर था? यहां पर ईडी इनफाइनाइट के बराबर था, लेकिन यहां पर ईडी किसके बराबर होगा? यहां पर ईडी जीरो के बराबर होगा. परफेक्टली इलास्टिक टू इमेजिनरी सिचुएशन थी, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया ऐसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, मतलब हो ही नहीं सकती जहां पर किसी वस्तु के प्राइस में बिल्कुल माइनर सा अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर चेंज उसकी डिमांड को इनफाइनाइट तौर से बढ़ा देगा, या इतना बढ़ा देगा या इतना घटा देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक का क्या एग्जांपल हो सकता है? मैंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है ए, अगर वो 100 रुपए का मिल रहा है, वो प्रोडक्ट 100 की जगह 1000 का हो जाए तब भी उसकी डिमांड उतनी ही रहे, या कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है उसकी प्राइस घटकर अगर 10 रुपए रहे हो जाए तब भी उसकी डिमांड उतनी ही हो,
ऐसी वस्तुएं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का एग्जाम्पल हो रही है। तो चलिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का यानी पूरी तरीके के स्थिर मांग का एग्जाम्पल बताइए। हाँ जी, एक ने कहा इट इज एन इमेजिनरी कंडीशन। शिवम रंजन कह रहे हैं ये इमेजिनरी है, काल्पनिक स्थिति है। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं फूड एंड फ्यूल। रजत केरोला कह रहे हैं फूड एंड फ्यूल। फूड एंड फ्यूल कैसे हो सकता है? फ्यूल यानी पेट्रोल। आपको लगता है कि 100 रुपए का पेट्रोल 1 रुपए लीटर, सॉरी 100 रुपए का पेट्रोल अगर 10 रुपए लीटर में मिलने लगे तो क्या उसकी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ेगा? अभी अगर कोई भी पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है और उसकी कीमत घटकर हो जाए 10 रुपए लीटर, क्या डिमांड बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। 100 रुपए का पेट्रोल 1,000 का हो जाए, क्या डिमांड घटेगी? ऑब्वियसली घटेगी। इसी तरीके से खाना पीना है, अरे सब्जी है, पनीर महंगी हो जाए हम डिमांड कम कर देंगे, सस्ती हो जाए ज्यादा कर देंगे। भाई फूड एंड फ्यूल में हमेशा प्राइस का असर डिमांड पर हम देखते हैं। हर्ष कह रहे हैं सॉल्ट सॉल्ट नमक। बेटा अगर मान लीजिए हम नमक की बात करते हैं तो नमक बहुत क्लोज टू एग्जाम्पल है परफेक्टली इन इलास्टिक का। सही है, क्लोज टू, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है, क्लोज टू एग्जाम्पल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पर अगर हम नमक को उठाकर देखते हैं तो नमक में प्राइस जितना चेंज हो रहा है, प्राइस जितना बदल रहा है, डिमांड उससे कम बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का नमक है, अगर वो 10,000 का हो जाए, प्राइस तो बहुत बदला, डिमांड उतनी तेजी से तो नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मैम डिमांड गिरेगी नहीं, तो आपकी गलतफहमी है। अगर हम मान ले रहे हैं अभी अपनी जिंदगी में नमक की बात करें और अगर अभी नमक 100 रुपए का मिल रहा है और यही नमक 10,000 का मिलने लगेगा ना, तो हम अपनी आम जिंदगी पर नमक का जो भी यूसेज है उसे इजिली कम कर सकते हैं। कभी ऐसा ना सोचिएगा कि नमक का यूसेज कम नहीं हो सकता, हो सकता है, और इसीलिए नमक हमारे लिए परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, एलपीजी अगेन नहीं हो सकता क्योंकि हम प्रेशर कुकर इस्तेमाल करेंगे, हम खाना कम बना सकते हैं, इसीलिए एलपीजी भी नहीं हो सकता। लग्जीरियस प्रोडक्ट तो कतई नहीं हो सकते। प्रशांत, ये तो आपने बिल्कुल ही अलग बात कर दी। लग्जीरियस प्रोडक्ट आप कैसे कर सकते हैं? लग्जीरियस प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो लग्जीरियस प्रोडक्ट तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज होगा तो डिमांड तेजी से बदलने लगती है, इसलिए लग्जीरियस इसका एग्जांपल नहीं होगा। इमरजेंसी सर्विसेज और कॉमा ड्रग्स। ड्रग्स भाई अगर हम ध्यान से देखें, फॉर एग्जांपल मैं ड्रग्स एडिक्ट हूं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं ड्रग्स एडिक्ट हूं, ठीक है, हाँ मेरे लिए ड्रग्स बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रग्स का एक जो है पैकेट 100 रुपए का मिल रहा है, अब वही ड्रग्स का पैकेट मान लो 100 की जगह 10,000 का हो जाए। अब भाई मैं ये नहीं कह रही हूं कि प्राइस बढ़ने से मैं सुधर जाऊंगी, नहीं, लेकिन जहां पर मैं दिन भर में ड्रग्स के 3-4 पैकेट ले लेती थी, जब इतना महंगा हो जाएगा ड्रग्स तो मैं ड्रग्स इस्तेमाल करना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कम तो कर सकती हूँ ना। एडिक्शन है, एडिक्शन को कम ज्यादा किया जा सकता है, छोड़ना मुश्किल है लेकिन कम ज्यादा तो किया जा सकता है, इसीलिए ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। चलिए, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम आपने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करते हैं तो परफेक्टली इन इलास्टिक अगेन इज एन इमेजिनरी कंडीशन यानी काल्पनिक स्थिति जिसका रियल लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है। भाई कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं हो सकता जिसके प्राइस में आप चाहे जितना बदलाव कर दो उसकी डिमांड पर फर्क ना पड़े, और अगर ऐसा होता तो लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित हो जाता। लॉ ऑफ डिमांड क्या साबित हो जाता? गलत। लॉ ऑफ डिमांड ये बात कहता है कि प्राइस चाहे जितना चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। जब मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि नमक के केस में ऐसा नहीं होगा, होगा हर जगह, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड कम होगा, और इसीलिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एन इमेजिनरी यानी काल्पनिक स्थिति। यानी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक ये दोनों ही हमारे लिए क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है। मैम एलपीजी का इन इलास्टिक
का सही एग्जाम्पल होगा, एलपीजी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने अभी कहा संदीप कुमार ने कि एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम उस पर कटौती कर सकते हैं। भाई एक महीने बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो अगले महीने से आप देखते हो ना, ध्यान रखते हो ना, लाइट बंद के रखते हो, पंखा बंद कर देते हो, एसी कम चलाते हो, होता है ऐसा। भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटती है इलेक्ट्रिसिटी पर। इसी तरीके से एलपीजी गैस सिलेंडर, अगर एक गैस सिलेंडर मेरे घर में 25 दिन चल रहा है, 1,000 का है, अगर वही गैस सिलेंडर 10,000 का हो जाए तो हम उसका वेस्टेज घटा देंगे और वही गैस सिलेंडर हमारे घर में 25 दिन से ज्यादा चलेगा। और इस तरीके से अगर हर इंडिविजुअल वेस्टेज घटाएगा तो उसकी डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, रिड्यूस होने लगती है। और इसीलिए एलपीजी भी इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यानी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है यानी काल्पनिक स्थिति है। थर्ड सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सिचुएशन इज नोन एज रिलेटिवली, थर्ड सिचुएशन इज नोन एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक हिंदी में कहते हैं अपेक्षाकृत लोचदार मांग। देखिए अब तक जो मैंने आपको दो सिचुएशन समझाई, ये दोनों सिचुएशन हमारे लिए क्या थी, ये दोनों सिचुएशन हमारे लिए इमेजिनरी है। लेकिन अब जो मैं आपको सिचुएशन बताने जा रही हूं ये इमेजिनरी नहीं है, इनका रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस होता है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा और अब आपको वही सारी चीजों का एग्जाम्पल देना है जो अब तक आप देते आ रहे हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है, सोचना है, समझना है और फिर एग्जाम्पल देना है, ठीक है? ओके। रजत किराला कह रहे हैं दिल्ली में तो फ्री है मैम इलेक्ट्रिसिटी। किसने बोल दिया भैया दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है? अरे मैं तो हर महीने बिल पे कर रही हूँ। अब केजरीवाल जी की सिर्फ मुझसे थोड़ी ना दुश्मनी होगी कि भाई मुझको ही सिर्फ बिल भेजा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई है, ठीक है? ओके। तो अगर हम बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अपेक्षाकृत लोचदार मांग, तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहता है कि अगर किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जैसा कि रियल लाइफ में होता है। कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत कम होती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन रिलेटिवली इलास्टिक कहता है कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, तुलना करें, जैसा कि वर्ड यहां पर लिखा है, वर्ड क्या लिखा है, रिलेट करना, कंपैरिजन करना, तुलना करना, यानी इससे चेंज होने का असर इस पे पड़ता है, ये बात ऑब्वियस है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है प्राइस में आप जितना चेंज करोगे डिमांड उससे ज्यादा तेजी से बदलेगी। यानी जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होगा, ज्यादा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन। यानी फॉर एग्जांपल किसी भी वस्तु की कीमत मान लो 50% से बढ़ गई, अगर उस वस्तु की कीमत 50% से बढ़ी तो डिमांड गिरेगी लेकिन 50% से ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगी। किसी वस्तु की कीमत अगर 50% से कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी लेकिन 50% से ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ेगी, ठीक है? तो हमेशा याद करिएगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यानी वो सिचुएशन जहां पर मांग में बदलाव ज्यादा हो रहा है और प्राइस में बदलाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहां पर ध्यान से जरा से ये फॉर्मूला देखें, इस फॉर्मूले को देखें। इस फॉर्मूले में कह रही हूं डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में चेंज कम है, ठीक है? यानी हमेशा ऊपर वाला नंबर यहां पर बड़ा है और नीचे वाला नंबर क्या है, छोटा है। अगर एक फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर बड़ा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शन हमेशा 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। और इसीलिए रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ईडी यानी मांग की लोच हमेशा 1 से क्या होगी, ज्यादा होती है। क्लियर है? मांग की लोच हमेशा किससे ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके अब फोर्थ कंडीशन की हम बात करें। फोर्थ कंडीशन इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। अभी मैं इसका एग्जाम्पल नहीं बता रही हूं, एग्जाम्पल दोनों सिचुएशन समझाने के बाद बताऊंगी ताकि आपको इजीली एग्जाम्पल समझ में आए, ठीक है? अब यहां पर हमने लिखा रिलेटिवली इन इलास्टिक, यहां पर लिखा रिलेटिवली इलास्टिक, जस्ट अपोजिट है। यहां पर कहा जा रहा है कीमत बदलने की वजह से मांग उससे ज्यादा तेजी से बदलेगी, यहां पर कहा जा रहा है
हम डिमांड और अगर प्राइस के चेंज को कंपेयर करें, अगर कीमत और मांग के बदलाव को कंपेयर करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारी वस्तु में प्राइस में बदलाव ज्यादा आ रहा है और डिमांड में बदलाव क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यानी अगर कोई वस्तु की कीमत मान लो 50% से बढ़ी है, कोई भी वस्तु की कीमत मान लीजिए 50% से बढ़ी है, तो डिमांड उससे ज्यादा तेजी से अगर ऊपर नीचे हो तो वो हमारे लिए रिलेटिवली इलास्टिक है। लेकिन मान लो अगर किसी की वस्तु की कीमत 50% से बढ़ी है, डिमांड गिर तो रही है लेकिन 50% से कम तेजी से गिर रही है। किसी वस्तु की कीमत 50% घटा दो, डिमांड बढ़ रही है लेकिन 50% से कम तेजी से बढ़ रही है, तब वो सिचुएशन हमारे लिए क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी अपेक्षाकृत स्थिर मांग। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ध्यान से इस फ्रैक्शन को देखिए, ध्यान से इस फ्रैक्शन को देखिए। तो यहां पर अगर हम ये देख रहे हैं, हर सिचुएशन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हो और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम हो, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की अगर कंपैरिजन करो तो डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है। फॉर एग्जाम्पल ये अब उल्टा कर दो, 2/5। अगर ये सिचुएशन देखोगे तो इसमें हम जानते हैं हमेशा फ्रैक्शन वन से क्या आएगा, छोटा होगा। यानी इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी मांग की लोच है, वो हमेशा वन से क्या होगी, छोटी होगी, यानी कम होगी। क्लियर है सबको, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब अगर किसकी बात करते हैं, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि इन दोनों सिचुएशन पर आप नमक किस में रखोगे, चलिए बताइए, ये रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक में नमक यानी सॉल्ट किस में रखा जाएगा। हां जी, आंसर, नमक यानी सॉल्ट किस में रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हैं नमक किस में रखा जाएगा, तो नमक रखा जाएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में। बिल्कुल सही बात है, नमक का अगर हम देखते हैं प्राइस चेंज हो रहा है, तो हम देखते हैं नमक की डिमांड पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 100 रुपए का नमक 150 का हो जाए, देखा जाए तो प्राइस 50% से बढ़ गया। क्या आपको लगता है कि डिमांड भी 50% से गिरेगी? क्या 50% लोग इंडिया में नमक खरीदना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए नमक का प्राइस और डिमांड पे कंपेयर करो तो प्राइस में चेंज ज्यादा होगा लेकिन मांग में इतना बदलाव नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि तो नमक हमारे लिए क्या है, एक बेसिक नेसेसिटीज है, यानी रोज आना के इस्तेमाल की चीज है, और इसीलिए नमक हमारे लिए क्या है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर है सबको, अच्छी तरीके से। ओके, अगर हम बात करते हैं जैसे कि गोल्ड, सोना, सोना किस में रखा जाएगा, चलिए आंसर दीजिए, सोना गोल्ड रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इन इलास्टिक है? हाँ जी, गोल्ड, सोना रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है? आंसर,
यस, गोल्ड इज रिलेटिवली इलास्टिक, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। सोना किस में रखा जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड पर रखा जाएगा। परफेक्ट। सोना रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड पर क्यों रखा जाएगा? क्योंकि सोना इज अ लग्जरी आइटम। ये कौन सा आइटम है? लग्जरी आइटम है। हम देखते हैं कि सोने का प्राइस जितना बढ़ेगा ना, डिमांड उससे ज्यादा तेजी से नीचे क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये सोचेंगे कि सोना महंगा हो गया है, हम बाद में खरीदेंगे। यानी सोना बिकॉज लग्जरी है तो वो हमारे लिए क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। यानी ये बात समझ में आ गई कि रिलेटिवली इलास्टिक का अगर एग्जाम्पल कभी भी कोई पूछे तो एग्जाम्पल क्या है? लग्जीरियस आइटम। वहीं पर रिलेटिवली इन इलास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिवली इन इलास्टिक का एग्जाम्पल है जैसे कि बेसिक नेसेसिटीज, यानी रोजाना की जरूरत की चीजें। अच्छा बताओ, डिमांड फॉर अमूल मिल्क, अमूल मिल्क की डिमांड किस में रखी जाएगी? हाँ जी, डिमांड फॉर अमूल मिल्क, अमूल मिल्क की डिमांड आखिरकार किस में रखी जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। डिमांड फॉर अमूल मिल्क इज रिलेटिवली इलास्टिक। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने मिल्क नहीं पूछा, मैंने पूछा डिमांड फॉर अमूल मिल्क। अगर मिल्क पूछती तो वो इन इलास्टिक में आप रख सकते थे। क्यों? क्योंकि मिल्क इज अ नियर टू बेसिक नेसेसिटी। मिल्क हमारे लिए क्या है? जरूरत की चीज पर हम रख सकते हैं। लेकिन अमूल का मिल्क ही इस्तेमाल करना, ये हमारे लिए जरूरत की चीज पे शामिल नहीं होता। इसीलिए मिल्क इज अ नेसेसिटी मतलब इन इलास्टिक, बट अमूल का मिल्क इज अ लग्जरी आइटम यानी इलास्टिक। इसी तरीके से जैसे सॉल्ट यानी नमक, नमक हमारे लिए क्या है? इन इलास्टिक। लेकिन अगर पूछा जाए टाटा सॉल्ट, पूछा जाए क्या? टाटा सॉल्ट, तो टाटा सॉल्ट हमारे लिए क्या है? इलास्टिक। जैसे कि पूछा जाए क्लोथ, कपड़े क्या है? इन इलास्टिक। लेकिन अगर पूछा जा रहा है ब्रांडेड क्लोथ, ब्रांडेड वस्तुएं, तो वो हमारे लिए क्या है? इलास्टिक की कैटेगरी में आएगा। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब फिफ्थ और लास्ट सिचुएशन हम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हिंदी में हम कहते हैं एकात्मक लोचदार मांग। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हमसे कहता है कि हम प्राइस में जितना चेंज कर रहे हैं, डिमांड पर उतना ही चेंज होने वाला है। यानी कीमत और मांग पर जब बराबरी से बदलाव होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, किसी वस्तु की कीमत 5% से बढ़ी है तो डिमांड सिर्फ 5% से ही घटे। किसी वस्तु की कीमत 5% से घटी तो डिमांड सिर्फ 5% से ही ऊपर बढ़े। यानी प्राइस और डिमांड के कंपैरिजन में हम देखते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यहां पर अगर देखते हैं इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, 5/5। आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। यानी ईडी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईडी हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। और ये भी हमारे लिए एक इमेजिनरी कंडीशन है, यानी काल्पनिक स्थिति है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक वस्तु में प्राइस में उतना ही बदलाव आए जितना उसकी डिमांड पर बदलाव आ रहा है। इसीलिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज ऑल्सो एन इमेजिनरी यानी काल्पनिक स्थिति, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी पांच सिचुएशन पढ़ाई में, पांच सिचुएशन मैंने पढ़ाई, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिटरी। इन पांच सिचुएशन पर तीन इमेजिनरी थी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ये तीन सिचुएशन हमारे लिए क्या थी? इमेजिनरी थी। रियल लाइफ में सिर्फ दो ही सिचुएशन मौजूद है, रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ओके, इसको एक बार मैं रब कर देती हूं।
और इसको सही तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से लिख सकते हैं। पहला हमने बताया परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ईडी किसके बराबर होगा? इनफाइनाइट। फिर हमने पढ़ा परफेक्टली इन इलास्टिक, ईडी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया रिलेटिवली इलास्टिक, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। रिलेटिवली इलास्टिक में ईडी किसके बराबर आएगा? ईडी आएगा इनफाइनाइट के बराबर, सॉरी ईडी किसके बराबर आएगा यहां पर? ईडी आएगा यहां पर जो है ग्रेटर देन वन, नॉट इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट आ गया रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक में हम ईडी को लेस देन वन मानेंगे, यानी ईडी छोटा होगा और वन क्या होगा? बड़ा होगा। और फिफ्थ और आखिरी सिचुएशन पर, दैट इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक, में ईडी इज इक्वल टू वन, मांग की लोच किसके बराबर होगा? वन के बराबर होगा, ठीक है। ये सिचुएशन इमेजिनरी थी, ये इमेजिनरी थी, ये इमेजिनरी थी, ये रियल लाइफ में मौजूद थी दोनों। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया लग्जीरियस आइटम, इसका एग्जाम्पल बताया मैंने बेसिक नेसेसिटी। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस बार इसको लिख लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ इसी के रिगार्डिंग। एक बार इसे लिख लीजिए जल्दी से सबके साथ। ओके डन, बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आंसर देना स्टार्ट करिए। अगर मैं पूछूँ ईडी इज इक्वल्स टू 50, मांग की लोच 50 के बराबर दिया है, वो कौन से सिचुएशन पर रखा जाएगा? ईडी इज इक्वल टू 50, मांग की लोच 50 के बराबर है, कौन से सिचुएशन पर रखा जाएगा? हाँ जी, ईडी इज इक्वल टू 50, मांग की लोच 50 के बराबर है, कौन सी सिचुएशन पर रखा जाएगा? अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला। ईडी इज इक्वल टू 50, 50 50 दिया है भैया, ईडी इज इक्वल टू 50, 50 इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और जब भी मांग की लोच एक से बड़ी होगी वो किस पे रखा जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड पर, ठीक है। तो ईडी इज इक्वल टू 50, यानी ये कौन सी सिचुएशन है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की स्थिति है। ओके, ईडी इज इक्वल टू 1, मांग की लोच एक के बराबर है, किस पे रखा जाएगा? हाँ जी, मांग की लोच 1 ए के बराबर है, किस में रखा जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक में रखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं मांग की लोच 0.5 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0.5, वो किस में रखा जाएगा? हाँ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 है,
वो किस में रखा जाएगा? फोर्थ, यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में। पूछा जाए ईडी 0 के बराबर है, मांग की लोच किसके बराबर है? 0 के बराबर। किस में रखा जाएगा? मांग की लोच किसके बराबर है? 0 के बराबर। किसके में रखा जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक का, परफेक्ट। और अगर इनफाइनाइट पूछा जाए तो किस में रखा जाएगा? इनफाइनाइट, तो वो हमारे लिए क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। इनफाइनाइट है तो परफेक्टली इलास्टिक, 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, 1 से बड़ा है रिलेटिवली इलास्टिक, 1 से छोटा है रिलेटिवली इन इलास्टिक, और अगर 1 के बराबर है तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दे रही हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ मैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, इफ अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.3, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट The demand of that product change. Demand of that product changed. चलिए आंसर दीजिए। अगर एक वस्तु की कीमत 30% से बढ़ी है और उसकी मांग की लोच, वस्तु की कीमत 30% से बढ़ी है और उसकी मांग की लोच 0.3 है, तो बताइए कितने से उस वस्तु की मांग में गिरावट हुई होगी? हाँ जी, आंसर। ओके, शिवम रंजन का आंसर आ चुका है, सूरज कुमार शर्मा का आंसर आ चुका है, और दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। और बाकी के सब क्या कर रहे हैं? रितिका, संदीप, कुमार दे, अंजलि, रजत, प्रशांत। ओके, इसका आंसर बताइए जल्दी से। रजत किरोला आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा 9%। कैसे निकाला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है? 0.3 है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमें निकालना है, हमने एक्स मान लिया। परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है कितना? 30। तो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड यानी एक्स निकालना है तो वो हमारे लिए क्या होगा? 0.3 इंटू 30 यानी कितना होगा? 9% होगा। ठीक है, ये है आंसर, नॉट 39, इस 9% का मनीष। ठीक है, ओके, इसको रब कर दे रही हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं दे रही हूं चलिए आंसर दीजिए।
हाँ जी, चलिए आंसर दीजिए। हाँ ओके, दो चीज निकाली है, पहले तो इलास्टिसिटी निकाली है और फिर आपको सिचुएशन बतानी है। फर्स्टली पहले तो इलास्टिसिटी का ही तो पहले बताओ कि इलास्टिसिटी कितनी आई है। ओके, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड। चेंज इन डिमांड कितना है, देखो ध्यान से, चेंज इन डिमांड कितना है? 1500। चेंज इन प्राइस कितना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर चेंज इन प्राइस कितना है? 500। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है 1000, ठीक है? ओरिजिनल डिमांड है 1500। भाई लो, सीधे सीधे खत्म। आंसर कितना आ रहा है? 2। और ये 2 है, यानी ये कौन सी सिचुएशन है? रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है? ये है आंसर हमारे लिए, क्या है? 2। ये हमारे लिए क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। जिसने गलत किया हो वो एक बार देख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। परफेक्ट, चलो अब इसको डब कर देते हैं। ओके, अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिमांड्स के बारे में, ठीक है? भाई डिमांड्स या टाइप्स ऑफ गुड्स कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? तो देयर टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले तो आपने अभी एक प्राइस डिमांड पढ़ लिया है। प्राइस डिमांड यानी सिंपल लॉ ऑफ डिमांड, यानी कीमत बढ़ने से मांग कम होती है और कीमत कम होने से मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है? तो यहां पर ध्यान से देखिए, प्राइस डिमांड तो हम जानते हैं सेम एज लॉ ऑफ डिमांड, उस पर कुछ भी नया बताने वाला नहीं है। लेकिन नेक्स्ट हम डिमांड के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज इनकम डिमांड। इनकम डिमांड, हिंदी में इसे हम कहते हैं आय से मांग। इनकम डिमांड यानी आय से मांग। चलिए, अब यहां पर इनकम डिमांड यानी वर्ड का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, जब इनकम पे चेंज आने के कारण डिमांड पर चेंज आता है तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? इनकम डिमांड कहते हैं, यानी आय से मांग कहते हैं, ठीक है? तो अब इनकम डिमांड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकम डिमांड हमसे क्या कह रहा है? अक्सर आप लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम इनकम डिमांड कहता है कि इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होने पर डिमांड कम हो जाएगी। बस हमसे आपने क्या कह दिया? इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होने पर डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, यानी ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये गलत बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता। इनकम डिमांड कहता है इनकम में चेंज आने के वजह से, कुछ भी बढ़ने या घटने के कारण अगर डिमांड पर चेंज आ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनकम डिमांड कहते हैं, यानी आय से मांग कहते हैं। यानी इनकम में चेंज आने के कारण हमारे डिमांड पर किस तरीके का चेंज आ रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं? इनकम डिमांड यानी आय से मांग कह रहे हैं। अब इनकम डिमांड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे नॉर्मल गुड, हिंदी में इसे हम कहते हैं सामान्य वस्तु, और एक को हम कहते हैं इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर यानी होता है घटिया वस्तु। अब नॉर्मल और इन्फीरियर पर फर्क क्या होता है? पहले ध्यान से सिर्फ और सिर्फ मतलब समझिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगी। नॉर्मल गुड कहता है कि जब किसी वस्तु की या किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है,
मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ने पर मान लो डिमांड भी बढ़ जाए, या अगर मेरी इनकम घट रही है और मेरी इनकम घटने पर डिमांड घट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल गुड कहेंगे, यानी सामान्य वस्तु कहेंगे। यानी इनकम बढ़ने के कारण डिमांड बढ़े और इनकम कम होने के कारण डिमांड कम हो, यानी जब इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकम डिमांड में नॉर्मल गुड यानी सामान्य वस्तु कहेंगे। इनफीरियर घटिया वस्तु कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है लेकिन इनकम बढ़ने के कारण उसकी डिमांड कम हो रही है, जब किसी वस्तु की इनकम बढ़ रही है लेकिन इनकम बढ़ने के कारण उसकी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर किसी वस्तु की इनकम या किसी इंडिविजुअल की इनकम कम होने पर उसकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनफीरियर गुड यानी घटिया वस्तु कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल में इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा और इनफीरियर में इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे बाजार पर 3 तरीके के चावल मौजूद है, 100 रुपए किलो मिल रहा है, एक 100 रुपए किलो मिल रहा है, एक 50 रुपए किलो मिल रहा है और एक 25 रुपए किलो मिल रहा है। मान लो हमारे बाजार पर ये 3 तरीके के चावल मौजूद हैं। मान लो फिलहाल मेरी इनकम 50,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी इनकम फिलहाल कितनी है? 50,000 रुपए। इस 50,000 रुपए इनकम पर मैं ये 25 रुपए वाला चावल खरीद कर खा रही हूँ। मेरी इनकम अगर 50,000 रुपए है मान लो, तो फिर मैं कितने वाला चावल अभी खरीद कर खा रही हूँ? 25 वाला चावल खरीद कर खा रही हूँ। मान लीजिए मेरी इनकम बढ़कर हो गई, मेरी इनकम बढ़कर कितनी हो गई? मेरी इनकम बढ़कर मान लो 70,000 हो गई, और इस इनकम बढ़ने पर मैंने ये 50 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। यानी मेरी इनकम जैसे ही बढ़ी, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने इस प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा दिया और इसको कम कर दिया, क्योंकि इनकम बढ़ने पर मैंने ये वाला चावल खरीदना छोड़ा और ये वाला चावल खरीदना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो इनकम बढ़ने पर इस वस्तु की डिमांड बढ़ी, तो ये कौन सा गुड हुआ? नॉर्मल। और इनकम बढ़ने पर इस वस्तु की डिमांड कम हुई, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इनफीरियर। यानी इस जगह पर ये नॉर्मल, ये क्या हो गया? इनफीरियर। अब मान लो मेरी इनकम और बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए, मेरी इनकम और बढ़कर कितनी हो गई? 1 लाख रुपए। जैसे ही मेरी इनकम बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई, मैंने क्या किया? मैंने ये 100 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। मेरी इनकम बढ़कर कितनी हो गई? 1 लाख। और 1 लाख होने पर मैंने ये 100 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी और मैंने ये 100 वाला चावल खाना शुरू किया, अब की बार इनकम बढ़ने पर मैंने इसकी डिमांड बढ़ाई और इसकी घटाई, तो अब की बार मेरे लिए नॉर्मल क्या है? अब की बार मेरे लिए नॉर्मल है ये 100 वाला, और अब की बार मेरे लिए इनफीरियर क्या है? तो ये 50 वाला। यही 50 वाला चावल इस जगह मेरे लिए नॉर्मल था, और यही 50 वाला चावल इस जगह मेरे लिए क्या था? इनफीरियर था, यानी घटिया वस्तु था। यानी यहां पर इस बात पे आपको समझ में आ रहा है कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए आज कोई चीज नॉर्मल है तो जरूरी नहीं है सारी जिंदगी नॉर्मल हो। नॉर्मल और इन्फीरियर हमेशा डिपेंड करता है एक वस्तु या एक इंडिविजुअल की इनकम पर, और इनकम हर किसी की सेम नहीं होती है। ठीक है, और ये भी जरूरी है, या ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपके लिए कोई चीज नॉर्मल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज मेरे लिए नॉर्मल हो, वो मेरे लिए इन्फीरियर भी हो सकती है। क्यों? इनकम पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके और मेरी इनकम अलग अलग हो, तो आपके लिए कुछ और नॉर्मल हो और मेरे लिए कुछ और नॉर्मल हो। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? यहां तक सबको समझ में आया? एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। नोट डाउन करने के बाद डन कहिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं।
टोटल हाउ मेनी क्लासेस फॉर इकोनॉमी इज लेफ्ट, तो मेरे को ये अभी पता नहीं है, मेरे को कोर्स चेक करना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, क्या क्या रह गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स मैंने आपको करवाए, टाइप्स ऑफ सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अभी तक टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हो गए या नहीं हुए? मे भी मेरे हिसाब से नहीं हुए हैं। टाइप ऑफ सेक्टर, नो चलो अभी करवाऊंगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब अच्छा मैं अगर पूछूं, इफ प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, ध्यान से क्वेश्चन करो, इफ प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस, अगर एक नॉर्मल गुड की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? इफ प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड इंक्रीजेस देन इट्स डिमांड विल, अगर एक नॉर्मल यानी सामान्य वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग पर क्या असर पड़ेगा? हाँ जी, तो याद रखिएगा इन दोनों में, नॉर्मल और इन्फीरियर में, कभी भी प्राइस से डिमांड का रिलेशन पूछा जाए ना, तो प्राइस से डिमांड का रिलेशन हमेशा वही होगा जो कि प्राइस डिमांड ने बताया। वेदर अ गुड इज नॉर्मल और इन्फीरियर, ऑलवेज इफ प्राइस इफेक्ट्स इज डिमांड दैट द रिलेशन इज ऑलवेज टेंस टू बी नेगेटिव। यानी अगर नॉर्मल और इंफीरियर पर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग हमेशा कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल और इंफीरियर में, अगर इनकम से रिलेशन होगा तो इनकम से रिलेशन हमेशा ऐसा होगा जो मैंने यहां पर लिख कर दिया। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा। ठीक है, ओके तो यहां तक हो गया। अब इसको मैं रब करती हूं। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, विपरीत मांग। क्रॉस डिमांड यानी विपरीत मांग। अब क्रॉस डिमांड क्या कह रहा है, क्रॉस डिमांड कह रहा है मान लो दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी, ए एंड बी। अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने के कारण इसका असर दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर पड़ रहा है तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस डिमांड कहेंगे। यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, कीमत बदल रही है, तो उसका असर दूसरी वस्तु की मांग पर जिस तरीके से पड़ेगा तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस डिमांड के नाम से जानेंगे। अब यहां पर आप इस बात को तो समझ ही गए हैं कि अगर ए का असर बी में पड़ रहा है या बी का असर ए में पड़ रहा है तो यानी यकीनन इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा ही। बिना किसी रिलेशनशिप के क्या ये चीज जरा सा भी पॉसिबल है? नहीं। तो याद रखिएगा इस एक्शन को कंप्लीट होने के लिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होना जरूरी है, और उस रिलेशन को ही हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट, हिंदी में इसे हम कहेंगे स्थानापन्न वस्तुएं, और एक को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, संपूरण वस्तुएं। यानी ए और बी में अगर इन दोनों में से कोई जो है सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री है तो ए का असर बी में पड़ेगा और बी का असर किस में पड़ेगा, ए में पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट यानी जानते हैं ए के बदले बी इस्तेमाल हो रहा है और बी के बदले ए। कॉम्प्लीमेंट्री यानी आप जानते हैं ए और बी को साथ में इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर हम सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैगी का यिप्पी सब्स्टिट्यूट है, अमूल का मदर डेरी, टी का कॉफी, ये सब हमारे लिए क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, ठीक
ठीक है, अब टी एंड कॉफी की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा किस तरीके से चेंज हो रहा है। ध्यान से मान लो चाय का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, मान लो चाय का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही चाय का प्राइस बढ़ेगा, चाय की डिमांड क्या हो जाएगी कम, क्योंकि बेसिक लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कोई वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी कम। चाय का प्राइस बढ़ा तो चाय की डिमांड क्या हो गई कम, यानी अब लोग चाय कम खरीद रहे हैं क्योंकि चाय क्या मिल रही है, महंगी मिल रही है। अब लोग चाय कम खरीद रहे हैं क्या, क्यों, क्योंकि चाय क्या मिल रही है, महंगी मिल रही है। अब चाय की डिमांड कम हो गई, चाय की डिमांड जब कम हो गई तो लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इन केस ऑफ टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी अगर एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है तो इन दोनों के बीच में हमेशा कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। यानी चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी और चाय का प्राइस घटने से कॉफी की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन होगा प्राइस और डिमांड के बीच में। कॉम्प्लीमेंट्री यानी वो दो वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ में इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल शू एंड सॉक्स, फॉर एग्जाम्पल इंक एंड पेन, ये हमारे लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री में हम एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार एंड पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल कार का प्राइस बढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार का प्राइस क्या है, बढ़ गया। कार का प्राइस बढ़ा तो कार की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, कार का प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो गई, यानी लोग कार कम खरीद रहे हैं। अब जब लोग कार ही कम खरीद रहे हैं तो पेट्रोल खरीद कर अपने ऊपर आग तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि कार है तो पेट्रोल का इस्तेमाल है, जब कार ही नहीं है तो पेट्रोल नहीं है। यानी कार की डिमांड कम होते ही पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यानी इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। क्रॉस डिमांड में सब्स्टिट्यूट है तो पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री है तो नेगेटिव रिलेशनशिप। इसलिए देख लीजिए चार तरीके के प्रोडक्ट हैं, नॉर्मल, इंफीरियर, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। मैम एलपीजी पॉलिसी बैंक पे बचा हुआ है और 5 ईयर प्लान्स और फाइनेंशियल मार्केट टाइप्स ऑफ मार्केट टाइप ऑफ। बेटा शिवम रंजन, अभी तो मैंने कुछ करवाया नहीं, एलपीजी हमने शुरू नहीं किया, बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, एलपीजी पढ़ाना है, 5 ईयर प्लान अभी पढ़ाऊंगी, फाइनेंशियल मार्केट भी अभी पढ़ाना है, ये सब अभी पढ़ाना है। ठीक है, मुझे पता है पेप्सी एंड कोक एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ओके, डन, परफेक्ट। चलिए अब एक जो है इंपॉर्टेंट गुड्स के बारे में पढ़ा देती हूँ मैं आपको, दैट इज नोन एज गिफेन वस्तु, गिफेन गुड्स। ठीक है, तो गिफेन गुड्स की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज गिफेन गुड, गिफेन गुड हमेशा याद रखिएगा प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव और इनकम और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन इज नोन एज गिफेन गुड। गिफेन गुड्स यानी वो वस्तुएं जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस पर शामिल होता है।
वो वस्तु है जो लॉ ऑफ डिमांड के किसके शामिल होगा, एक्सेप्शंस पर शामिल होगा। यानी क्या कहा जा रहा है, अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाती है, वो हमारे लिए क्या है, गिफन गुड। या फिर अगर इनकम से रिलेशन पूछा जाए, तो अगर इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो या इनकम कम होने से डिमांड बढ़ जाए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, गिफिन गुड्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी गिफिन गुड्स में प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इनकम से डिमांड के रिलेशन में पूछा जाए, तो इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाए और इनकम कम होने से डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वो हमारे लिए क्या है, गिफिन गुड कहलाता है। अब ऐसा कैसे होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी मार्केट में डिप्रेशन का माहौल है। मान लीजिए हमारी मार्केट में डिप्रेशन का मॉल है। डिप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। डिप्रेशन यानी हमारी जेबों में पैसा घटता जाए, हमारी जेबों में पैसा क्या होता जाए, घटता जाए, और बाजार पर कीमतें क्या होती जाए, बढ़ती जाए। हमारी जेबों में पैसा घटेगा और बाजार पर कीमतें क्या होती जाए, बढ़ती जाए। ठीक है, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए तीन सेक्शंस के लोग हैं, ए बी सी, अलग अलग क्लास के। ए जो सेक्शन है वो फिलहाल बाजार में बाजरा इस्तेमाल कर रहा है, गरीब है, बाजरा इस्तेमाल कर रहा है। बी में जितने भी लोग हैं, बी सेक्शन के जितने लोग हैं, वो इस टाइम मान लो 50 रुपए वाला गेहूं खरीद कर खा रहे हैं। और सी में जितने लोग हैं वो फिलहाल मान लो 80 रुपए वाला गेहूं खरीद कर खा रहे हैं। ठीक है, अब क्या मैंने कहा, मैंने कहा बाजार पर क्या आ गया, डिप्रेशन। यानी ये तीनों क्लास में सबकी इनकम क्या हो गई, सबकी इनकम घट गई, सबकी इनकम क्या हो गई, घट गई। और ये सारी चीजें महंगी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये 80 रुपए वाले बाजरा की कीमत बढ़कर 100 रुपए हो गई, ये 80 का, ये जो पहले 50 का मिल रहा था, इसकी कीमत बढ़कर हो गई 90 रुपए। और जो बाजरा फॉर एग्जाम्पल पहले 15 रुपए का मिल रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर हो गई 25 रुपए। अब यहां से स्टार्ट करो, ये जो सेक्शन है, ये तो बेचारा पहले भी गरीब था, अब और गरीब हो गया है। ठीक है, ये बेचारा पहले भी गरीब था, अब क्या हो गया है, और गरीब हो गया है। ये पहले अपनी इनकम पर 15 रुपए वाला बाजरा अफोर्ड करके खा पाता था, बाजरा की कीमत बढ़कर 25 हो गई। लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं है अपना पेट भरने का, क्योंकि सबसे सस्ती चीज इकोनॉमी पर क्या बिक रही है, बाजरा ही बिक रही है। ठीक है, तो अब इसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये लोग तो अभी भी बाजरा पर ही टिके रहेंगे, क्योंकि अगर इनको पेट भरना है तो बाजरा खाना पड़ेगा। लेकिन ये वाले जो लोग हैं, इनकी इनकम कम हो गई, गौर करिए, इनकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई, और 50 वाला गेहूं की कीमत बढ़कर 90 हो गई। तो अब इनकी इनकम कम होने के बाद ये 90 वाला गेहूं अफोर्ड करके तो नहीं खा सकते ना, तो अब ये बी सेक्शन सब के सब किस में शिफ्ट हो जाएंगे, बाजरा में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी बाजरा जब 15 रुपए का मिल रहा था तो सिर्फ ये क्लास खा रहा था, लेकिन जब बाजरा 25 का मिलने लगा तो अब ए और बी दोनों खाने लगे। यानी इस केस में देखोगे, बाजरा का प्राइस भले ही बढ़ रहा है, लेकिन बाजरा की डिमांड कम नहीं हो रही, बल्कि बाजरा की डिमांड बढ़ ही रही है। और इसीलिए बाजरा हमारे लिए किस में शामिल होगा, एक गिफन गुड्स में शामिल होगा, जहां पर बाजरा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कहा जाएगा। अब गिफिन गुड्स नॉर्मल कंडीशंस पर अराइज नहीं होते, गिफिन गुड्स को अराइज होने के लिए हमेशा याद रखना, इनकम और डिमांड का चेंज होना साथ में कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज चेंज ना हुई, प्राइस चेंज ना हुआ या इनकम चेंज नहीं हुई, तो फिर ये अलग अलग बढ़ जाएंगे, इनकम डिमांड में चला जाएगा या प्राइस डिमांड में चल जाएगा, दोनों साथ में चेंज हो रहे हैं। यानी बाजार पर लोगों की इनकम भी बदल रही है, बाजार में लोगों की डिमांड भी बदल रही है, दोनों चीज बदलने का असर वस्तु की कीमत पर पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, गिफेन वस्तुएं कहलाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शुरू ही हुआ था डिप्रेशन के माहौल पर, यूएसए में जब डिप्रेशन आया था, तो वहां पर एक गिफिन नाम के इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने ये गिफिन गुड्स को
शुरू किया था या गिफिन गुड को समझाया था, और इसीलिए उनके ही नाम पर हमने इसका नाम क्या रख दिया, गिफिन गुड। ठीक है, बेटा सी कैटेगरी भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, सी कैटेगरी भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी, एंड 50 रुपीस वाला भी हमारे लिए गिफ्ट एंड गुड्स की तरह काम करेगा। ठीक है, वो सेम इम्पैक्ट पड़ेगा हर जो बाजार पर सबसे मिनिमम क्वालिटी की चीज होती है, वो हम गिफ्ट एंड गुड्स में ही कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इन्फीरियर को गिफ्ट एंड गुड पूरी तरीके से नहीं कहा जाता, क्योंकि इनफीरियर गुड्स पर तो सिर्फ इनकम चेंज होगा और डिमांड चेंज होता है, यानी उस पे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं है। प्राइस इनफीरियर गुड में वही काम करेगा जो कि नॉर्मली प्राइस डिमांड पर काम करता है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी इनफीरियर में। तो लेकिन अगर गिफिन गुड की बात कर रहे हैं, तो गिफिन गुड में इनकम का असर डिमांड पर पड़ेगा और प्राइस का असर भी डिमांड पर पड़ेगा, साइमल्टेनियसली इन दोनों का असर डिमांड पर पड़ना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए टेक्निकली हम इंफीरियर और गिफिन गुड्स को एक नहीं मान सकते हैं, दोनों का नाम ही अलग अलग इसीलिए, वरना तो हमें वहां पर गिफिन गुड स्लैश करके इंफीरियर कर देती। लेकिन डिफरेंस ये है कि गिफिन गुड में प्राइस और इनकम दोनों को बदलना जरूरी है, लेकिन इन्फीरियर में सिर्फ इनकम का असर डिमांड पर होता है, प्राइस नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, गिफन में प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज एंड इनकम डिक्रीज। यस, सही कह रहे हैं आप संदीप कुमार दे। यू आर एक्सप्लेनिंग इन हिंदी भाई, तो यहां पर जो हो गया, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो है, ओके मैम आपका एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, यू आर एक्सप्लेनिंग ओनली इन हिंदी। ठीक है, मैं अंदर से ध्यान रखूंगी राहुल गांधी, मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है,
ओके परफेक्ट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आपको छोटी सी चीजें बता देती हूँ मैं, ताकि जो है क्लास अभी 20 मिनट, 1 मिनट होल्ड करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पहले समझा दे रही हूँ आज की क्लास में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। ओके अब ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीन तरीके की इकोनॉमी है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट समाजवादी, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी और मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब यहां पर इन तीनों का मतलब क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पर डोमिनेशन क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट का, सरकार अर्थव्यवस्था में डोमिनेट कर रही है, अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सरकार के हाथों पर है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी यानी कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पर डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था में ज्यादा हिस्सा होना। इकोनॉमी को ज्यादा डोमिनेट जब प्राइवेट सेक्टर करता है तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी यानी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर कोई भी डोमिनेशन क्रिएट नहीं होता, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं। सरकार रूल बनाती है, प्राइवेट सेक्टर उसे फॉलो करते हैं। व्हेन नो डोमिनेशन इज क्रिएटेड देन इट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं सोशल समाजवादी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डोमिनेशन होने के साथ साथ इस इकोनॉमी का मेन मकसद होता है पब्लिक वेलफेयर, यानी जनता के हित पर काम करना इस इकोनॉमी का मेन मकसद कहा जाता है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का डोमिनेशन क्रिएट होता है। प्राइवेट का डोमिनेशन क्रिएट होने की वजह से यहां का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मेकिंग, अपने प्रॉफिट अपने हित के लिए काम करना इस इकोनॉमी का मेन मकसद है। मिक्स इकोनॉमी में जब दोनों डोमिनेशन क्रिएट नहीं होता तो याद रखिएगा यहां पर बोथ होगा, प्रॉफिट मेकिंग भी होगा और पब्लिक वेलफेयर भी होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट डिफरेंस इन तीनों के बीच में, सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड यानी केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहां पर डोमिनेशन किसका क्रिएट होता है? यहां पर डोमिनेशन क्रिएट होता है हमारी सरकार का। देन कैपिटलिस्ट इज ऑल्सो नोन एज लाजे फेयर। कैपिटलिस्ट को हम लाजे फेयर के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा लाजे फेयर इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स नॉन इंटरफेरेंस। लाजे फेयर एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है अहस्तक्षेप। लाजे फेयर बेसिकली यूज फॉर दोस इकोनॉमीज इन विच द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आर वेरी लो, एंड बिकॉज दिस टर्म्स या दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली एग्रींग विद
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट्स व्हाई लाजे फेयर इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी लाजे फेयर का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम हो। सरकार का कम से कम होगा तो निजी क्षेत्रों का ज्यादा होगा, इसीलिए लाजे फेयर इज आल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वहीं पर मिक्स इकोनॉमी को हम एक और से नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं नेहरूवियन इकोनॉमी। मिक्स इज ऑल्सो नोन एज नेहरूवियन इकोनॉमी इन इंडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोशलिस्ट समाजवादी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी पर हमेशा याद रखिएगा प्राइस रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है। यानी यहां पर सरकार कीमतों में पाबंदियां लगाती है, सरकार प्राइवेट सेक्टर को ये छूट नहीं देती कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने हिसाब से डिटरमाइन करे। प्राइस को रिस्ट्रिक्ट करके रखना समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक मेन फीचर होता है। वहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहता है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म यानी कीमत प्रक्रिया, प्राइस मैकेनिज्म यानी एक ऐसा कंडीशन जहां पर हम डिमांड और सप्लाई फ्रीली वस्तु की कीमतें डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करते हैं। जब डिमांड और सप्लाई के ऊपर वस्तु की कीमत निर्भर करी जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। मिक्स इकोनॉमी की जहां तक हम बात करते हैं तो मिक्स इकोनॉमी पर हम देखते हैं अगेन प्राइस मैकेनिज्म। यानी ज्यादातर ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं जहां वस्तु की कीमतें फ्रीली मार्केट के डिमांड और सप्लाई के फंक्शन पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, ओके। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो गया चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये हमारे लिए क्या है, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए साउथ कोरिया, यूएसए, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है कैपिटलिस्ट। मिक्स इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मिक्स इकोनॉमी हमारे लिए कौन सी है, इंडिया के लिए। ठीक है, ओके मैम, हो गया था ये हो चुका है, ओके मैम ये हो गया है, ओके अरे हो गया, कोई बात नहीं, चलो फिर से लिख लो, हो गया, अब तो पढ़ा दिया ना, अब तो फिर से इसे लिख लो। बस और कुछ चाय नहीं पी रहा यहाँ। बेटा हिंदी में, अरे बाप रे। प्राइस मैकेनिज्म यानी चीजों की कीमतें मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फंक्शन पर बेस्ड होती है। व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, जब चीजों की कीमतें मांग और पूर्ति के नियम पर निर्भर होती हैं। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम बस यहीं तक टॉपिक रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास में ये कंप्लीट कर दिया है, अब आपके डाउट्स में कुछ देर तक ले ले रही हूँ, ठीक है, डाउट्स ले ले रही हूँ कुछ देर तक आपके। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी, ठीक है मैम। नए बैच का ये नहीं हुआ, हाँ रितिका शर्मा, नए बैच का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब तो हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए नेहरूवियन। बेटा हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रखा गया था नेहरूवियन। इंडिया में नेहरूवियन इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मिक्स इकोनॉमी एंड मिक्स इज ऑल्सो नोन एज नेहरूवियन इकोनॉमी। और कोई डाउट? ओके, पीएम मींस प्राइस मैकेनिज्म, पीएम मींस प्राइस मैकेनिज्म,
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था, यानी जहां पर डोमिनेशन क्रिएट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और बिकॉज सोशलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेशन क्रिएट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सभी नोट्स टॉप रैंकर्स पर अवेलेबल नहीं होते बेटा, जो नहीं हो रहे हैं, जो यहाँ पर आपको नई चीज देखने को मिल रही है वो आप क्लास नोट्स में तो बना ही रहे होंगे। ठीक है, नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है, कैसे किया जाता है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कौन मेजर करता है? तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में क्या समझाया था बेटा? क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगी। ऐसे मुझे याद नहीं रहता ना कि लास्ट में मैंने क्या बताया। क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, तो मेरे हिसाब से आप सबको यहां तक समझ में आ गया, यहां पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगी। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है। चाइना एंड रशिया लिखा है वो मैम, एग्जाम्पल है चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, एग्जाम्पल। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आप सबसे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, बाय।